क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेसिमोस इज ब्रांच्ड इट इज कॉल्ड, अगर रेसिमोस ब्रांच्ड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो पहले रेसिमोस समझते हैं। रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस जो है, जिसमें यहाँ पर पेडंकल जो है इनडेफिनेटली ऐसे ग्रो करती जाती है, तो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में यहाँ पर क्या है, जो मेन एक्सिस है इट ग्रोज थ्रू आउट, पेडंकल ग्रोज and does not terminate into a flower, does not terminate into a flower, जैसे साइमोस terminate हो जा रही थी, it does not terminate into a flower. तो अगर पेडंकल पर directly यहाँ पर फ्लावर अरेन्ज होंगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल रेसीम, और अगर उसमें ब्रांचेस हो जाएंगी तो वो हो जाएगा कंपाउंड. तो अभी नॉर्मल रेसीम की अगर हम बात करें, इसमें ये पेडंकल है, इधर फ्लावर नहीं आएगा. इस पेडंकल में क्या है, ये इधर ब्रैक्ट, ये पेडिसिल और ये फ्लावर, देन इधर ब्रैक्ट, ये पेडिसिल, ये फ्लावर. तो इस तरीके से इस पेडंकल से डायरेक्टली अगर फ्लावर अरेंज्ड है, अटैच्ड है, तो ये है नॉर्मल रेसीम. लेकिन अगर इसमें पहले पेडंकल ग्रो कर रही है, इधर फ्लावर नहीं है, पेडंकल ग्रो करी और डायरेक्टली फूल अटैच नहीं है, पहले पेडंकल ब्रांच हुई एंड देन उस ब्रांच से फिर यहाँ पर फ्लावर है, उस ब्रांच से फिर यहाँ पर फ्लावर है. तो अगर ये पेडंकल ब्रांच हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिकल. क्या बोला जा रहा है, पेनिकल, या इसी को क्या बोला जाता है, कंपाउंड रेसीम. कंपाउंड रेसीम, और इसको क्या बोला जाता है, रेसीम ऑफ रेसीम्स. रेसीम ऑफ रेसीम्स. तो बस अगर नॉर्मल पेडंकल ब्रांच हो जा रही है और बाकी सारा अरेंजमेंट सेम है तो वो कंपाउंड कंडीशन हो जाती है. तो इफ रेसिमोस इज ब्रांच्ड इट इज कॉल्ड एज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिकल. अम्बिल यहाँ पर नहीं जाएगा, हेड जो है वो कैपिटुलम को ही बोलते हैं, साइमोस नहीं जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज पेनिकल.